हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज माय चैनल जीनियस मेंटर एकेडमी। आई एम संजीव कुमार ओझा, योर फिजिक्स मेंटर। नाउ आई विल स्टार्ट द मोशन पार्ट टू फॉर क्लास 9 एंड द टॉपिक इज इंक्लूडेड। नंबर 1 इज एक्सेलरेशन, नंबर 2 टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, नंबर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन एंड नंबर 4 इन लास्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, हम बात करने वाले हैं इन चार टॉपिकों की। जो ये टॉपिक आपके सामने हैं, एक्सेलरेशन, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इससे पहले हमने जो मोशन का पार्ट 1 पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि मोशन की डेफिनेशन क्या थी, आपका रेस्ट कंडीशन क्या था, और फिर हमने पढ़ा था टाइप ऑफ मोशन, और उसके बाद फिर हमने जो चीज़ें उसमें इंक्लूड की थी, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीज़ें हमने उसमें डेवलप की थी। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपके सामने जो टॉपिक हैं इनको कवर करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग बात कर लेते हैं, जो सबसे पहला टॉपिक है अपना वो है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की बात करते हैं कि एक्सीलरेशन क्या है। आप सुनिएगा, एक्सीलरेशन क्या है, मैं बता दूं आपको। हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने कहा था कि द वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन पर यूनिट टाइम टेकन। ठीक है, हमने कहा था कि वेलोसिटी वो होगी जो कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो होगी, यही कहा था। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन की, कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन वो होगा जिसमें कि आपकी वेलोसिटी का चेंज हो रहा होगा पर यूनिट टाइम में। मैं बताऊं आपको, सपोज आप एक पॉइंट आपका ए ये है और आपका दूसरा पॉइंट बी ये है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, ठीक। सपोज पॉइंट ए से बी तक आप गए और आपकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आपको बी से ए आना है, पहले ए से बी चले गए फिर बी से ए आना है, आपको लौटना है। सपोज जब लौट कर आ रहे हैं तो कुछ वेलोसिटी जो आपकी है वो हो गई आपकी, आप तेजी से आए वहां से, अब वो वेलोसिटी सपोज हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर मैं कहूंगा कि मेरी वेलोसिटी में चेंज कितना आ गया, मैं गया था 10 मीटर पर सेकंड से यार और मैं तेजी से आ गया 5 मीटर पर सेकंड से, मेरी वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है। तो मेरी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो आएगा 10 - 5 = 5 मीटर पर सेकंड का। आप देखिए मेरी वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, 5 मीटर पर सेकेंड का। इसका मतलब जो मेरी वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा 5 मीटर पर सेकेंड का, इसमें कुछ ना कुछ टाइम भी तो इंक्लूड हो रहा होगा। ए से बी जाने में सपोज कुछ टाइम लगा, बी से ए जाने में भी कुछ सपोज टाइम लगा, तो इसका मतलब ये जो 5 मीटर पर सेकंड मैंने कुछ टाइम में, अगर जो टाइम मैं ले रखा होगा उस टाइम में मैंने अगर इसको कवर किया है, तब मैं कहूंगा कि मेरा एक्सेलरेशन वो होगा जो कि डिपेंड कर रहा होगा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन में। दैट मीन्स मैं ये कहूंगा कि जब मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी पर यूनिट टाइम में, तब जो क्वांटिटी मुझे ऑब्टेंड हो रही होगी वो क्वांटिटी मेरी कौन सी है, वो क्वांटिटी है एक्सीलरेशन। डेफिनेशन सुनिएगा, एक्सीलरेशन में बी डिफाइन एज द, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम टेकन। फिर ध्यान सुन लीजिए, द एक्सीलरेशन में बी डिफाइन एज द, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम टेकन। आपका एक्सीलरेशन वो होगा जिसमें आप अपने वेलोसिटी को चेंज करवा रहे होगे पर यूनिट टाइम में, ठीक है। दूसरी बात, एक्सेलरेशन को डिनोट किससे करते हैं, एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए से, एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। मैंने कहा चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है ये अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी है वी, इनिशियल वेलोसिटी है आपकी यू और टाइम टेकन है आपका टी, तो ये जो a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी निकल के आया है ये आपका फॉर्मूला है, और किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का, ठीक। फिर से ध्यान देख लीजिए, आपकी v है फाइनल वेलोसिटी, जब आप किसी पॉइंट पे पहुंच के रुक गए होंगे वो फाइनल वेलोसिटी है, जब आपने चलना स्टार्ट किया होगा वो इनिशियल वेलोसिटी है, जो टाइम आपने दिया होगा वो आपका टी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, द एक्सेलरेशन में बी डिफाइन एज द, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम टेकन। आपका एक्सेलरेशन वो होगा जो वेलोसिटी में जो चेंज आप कर रहे होगे पर यूनिट टाइम में, वो क्वांटिटी आपकी एक्सेलरेशन होगी, ठीक। दूसरा, रही बात एक्सेलरेशन की यूनिट की, कि यूनिट क्या होगा, आपकी एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
दूसरा एक्सेलरेशन आपका क्वांटिटी कैसा है, वेक्टर। आपकी क्वांटिटी कैसी है, ये वेक्टर है। क्यों वेक्टर है, आपकी वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर है। और आपका टाइम कैसा है, स्केलर है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जब चेंज इन वेलोसिटी कर रहे हो तो आप किसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग। जितना वेलोसिटी में आपका चेंज आ रहा होगा उतना एक्सेलरेशन में भी आपका चेंज आ रहा होगा, तब आपके साथ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों ही आ रहे होंगे। जब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों आ रहे होंगे इसलिए आपकी एक्सेलरेशन क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर। और अगर एक्सेलरेशन वेक्टर है तब तो ये आपकी पॉजिटिव भी होनी चाहिए, नेगेटिव भी होनी चाहिए और जीरो भी होनी चाहिए। तो अब मैं बताऊं कि एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव होगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। सपोज अगर मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, अब इस एक्सेलरेशन का नाम एक्सेलरेशन ना बोल के हम इसका नाम बोलेंगे रिटार्डेशन। अब हम इसका क्या नाम बोलेंगे, रिटार्डेशन। तो ध्यान से सुनिएगा कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव में हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। डेफिनेशन कैसे बताएंगे रिटार्डेशन की, आप बताएंगे द रिटार्डेशन मे बी डिफाइंड एज अ, द रिटार्डेशन मे बी डिफाइंड एज द वेयर द चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम टेकन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, आपका रिटार्डेशन वो होगा जिसमें आपकी वेलोसिटी चेंज तो हो रही होगी पर यूनिट टाइम में, बट कैसे, नेगेटिव डायरेक्शन में चेंज हो रही होगी, इसलिए आपको उस वैल्यू को क्या बोलोगे, रिटार्डेशन। वैल्यू वही होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन आपका एक्सेलरेशन यहाँ पे काय में शो ऑफ हो रहा होगा, नेगेटिव में। आपका एक्सेलरेशन काय में शो हो रहा होगा, नेगेटिव में शो हो रहा होगा, जो आपने लिखा है। ये साइन मैंने वेक्टर का लगाया है, ये वेक्टर का साइन होता है एरो। ठीक है, रिटार्डेशन आपने पढ़ लिया, रिटार्डेशन क्या होगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, एक्सेलरेशन का हमने यहाँ पे यूनिट पढ़ लिया है, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ लिया, रिटार्डेशन पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं सेकंड, सेकंड है टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। देखिए हमारा जो फर्स्ट पोर्शन है टाइप ऑफ एक्सेलरेशन का, वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन। मैं बात करता हूँ पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। अब मैं बताऊं आपको, यूनिफॉर्म का मीन्स होता है सेम, और एक्सेलरेशन का मीन्स होगा कि आपका एक्सेलरेशन जो है वो सेम रहना चाहिए। यानी कि आप बताओगे कैसे इसकी डेफिनेशन को, वो आप देख लीजिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मे बी डिफाइन एज द वेयर द ऑब्जेक्ट इज कवर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम पीरियड। आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो होगा जिसमें आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी को इक्वल टाइम पीरियड में कवर अप कर रहा होगा। यानी कि भाई यहाँ पे दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, डायरेक्टली का रिलेशन आया, तो ग्राफ तुरंत आप समझ जाएंगे कि ग्राफ कैसा आएगा वेलोसिटी और टाइम में, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। वो आ गया स्ट्रेट लाइन, आपके सामने ग्राफ बना हुआ है। ठीक, अब आप सेकंड में आएंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब मैं आपको बताऊं कि फिर से नाम मैंने वेरिएबल लिख दिया, जो पार्ट वन में भी मैं बोल रहा था आपसे। वेरिएबल, वेरिएबल का मीन्स होता है चेंज होना। यहां पर आप चेंज होंगे, आपकी वेलोसिटी चेंज होगी, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मिल पाओगे यहां पे, आपका ग्राफ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मिलेगा, आपका ग्राफ यहां पे मिलेगा कर्व नेचर में। ठीक है, तो आप अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन को कैसे बताएंगे, डेफिनेशन है वो भी सुन लीजिए। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन मे बी डिफाइन एज द वेयर द ऑब्जेक्ट इज कवर अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम पीरियड। आपका जो वेलोसिटी है, जो चेंज हो रहा है, वो अनइक्वल होना चाहिए और टाइम पीरियड आपका इक्वल होना चाहिए। आपका जो ग्राफ आना चाहिए वो आपका कैसा आएगा, कर्व फॉर्म में, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आ सकता, क्योंकि आप इक्वल भी नहीं हो, आप अनइक्वल हो चुके हो। ये आपका ग्राफ आया है किस तरीके का, कर्व नेचर में। ये दो टाइप आपने पढ़ा। ठीक, आप देखिए आपके पास सी टाइप भी एक है, वो है आपका एवरेज एक्सेलरेशन, वो है आपका एवरेज। अब मैं आपको बताऊं कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। आपका एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा वो टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन का रेशियो होगा। एवरेज का मीन्स ही होता है कि आप दो चीजों का एवरेज ले लीजिए। सपोज अगर आपको एवरेज लेना है, ठीक, अगर आपको एवरेज लेना है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का, तो इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू, ये फॉर्मूला आपका आ गया है एवरेज एक्सेलरेशन का। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी ली, फाइनल वेलोसिटी ली। यू होती है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी। जब आप किसी चीज को स्टार्ट करते हैं चलना, तो वो इनिशियल है। जब आप एक जगह पहुंच जाते हैं और वहां पे रुक जाते हैं, दैट इज योर फाइनल पोजिशन। तो वी है आपका फाइनल वेलोसिटी, वी है आपका
फाइनल वेलोसिटी, तो आपका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू, ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन के टाइप भी पढ़ लिए हैं, हमने यहाँ पे से ग्राफ भी पढ़ ली है। सपोज एक चीज और बता दूं मैं आपको, अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है, अब आप सुनिएगा रेस्ट कंडीशन का मतलब क्या हुआ, रेस्ट कंडीशन का मतलब हुआ कि जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तब उसका जो ग्राफ आ रहा होगा वो उसका ग्राफ ये होगा, ये आपकी वेलोसिटी होगी और ये आपका टाइम होगा। इसका मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे इक्वल हो गए, जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे इक्वल हो गए तो एक्सेलरेशन तो यहाँ पे हो गया जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया, अब आपका ग्राफ कैसा आएगा यहाँ पे, जैसे आप इस तरीके से आपने इसको ड्रॉ कर रखा है टाइम के पैरेलल। ये पोजीशन किसके लिए है, रेस्ट के लिए, ये किसके लिए शो ऑफ किया है मैंने, रेस्ट पोजीशन के लिए मैंने ये ग्राफ बना रखा है वेलोसिटी और टाइम का। ठीक है ना, तो ये ग्राफ मैंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बनाया, ये नॉन यूनिफॉर्म का बनाया, ये एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने दिया, ये रेस्ट पोजीशन के लिए मैंने ग्राफ आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। हमें तीन टाइप की इक्वेशन को प्रूफ करना है। ठीक है, जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन का जो प्रूफ है वो दो तरीके से है, एक है सिंपल मेथड और एक है आपका ग्राफिकल मेथड। मैं पहले सिंपल मेथड से कराता हूँ फिर ग्राफिकल मेथड से कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी, इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका मैं फर्स्ट जो है वो प्रूफ करने जा रहा हूँ। वो देखिएगा, अभी अभी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, हमने कहा था कि एक्सेलरेशन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम टेकन। तो देखिए इसका मैं पहला प्रूफ कर रहा हूँ, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, लिख दिया आपने। अब देखिए a के नीचे कुछ नहीं है, आप क्या सपोज कर सकते हो उसके नीचे, वन। अब आप यहाँ से इसे क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, इस नेगेटिव आप u को उठा के इस साइड ले आइए, आपका फॉर्मूला हो गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपकी फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो गई। ठीक है, आपने कुछ नहीं किया, इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन आपने निकाली है, आपने एक्सेलरेशन का डेफिनेशन जो थी उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला रख दिया है, उसके बाद आपने इसके नीचे वन सपोज किया, क्रॉस मल्टीप्लाई की और फर्स्ट इक्वेशन आपने प्रूफ कर दी है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी। अब मैं सेकंड इक्वेशन इसकी प्रूफ करने जा रहा हूं, इसको रब कर देते हैं और सेकंड इक्वेशन हम प्रूफ करते हैं। देखिए अब सेकंड इक्वेशन जब आप प्रूफ करने वाले होंगे तब आपको फॉर्मूला चाहिए होगा। अब वो फॉर्मूला किसका चाहिए होगा, अब आप वहां से क्या निकाल रहे होंगे, डिस्टेंस। तो जब आप डिस्टेंस निकाल रहे होंगे तो आपको वेलोसिटी और टाइम की जरूरत पड़ने वाली है वहां पे। तो यहां देखिए जब आप यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये चीजें आप इसमें इंक्लूड कराएंगे। अब डिस्टेंस को आप डिनोट कर दीजिए यहां पे किससे, एस से, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी है यानी कि इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू और इनटू प्रोडक्ट कर दीजिए टी से। ठीक है, टाइम तो चल ही रहा है आपके पास। अब आप क्या करेंगे, अब आपने यू को ऐसे रखना है, आप फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ कर चुके हैं। देखिए सेकंड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए फर्स्ट की जरूरत पड़ेगी और थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए सेकंड की जरूरत पड़ेगी। अब मैंने यू तो ऐसे रखा, अब मैं वी की जगह वैल्यू ओपन करने वाला हूं। वी की जगह जब मैं वैल्यू ओपन करूंगा तो यू प्लस ए टी, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन रखा है। आप कहोगे कहां से आया, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन वी पुट द वैल्यू वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप चाहिए तो यहां लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमने प्रूफ किया है। अपॉन में कितना है, ये टू है। देखिए टी तो बाहर मल्टीप्लाई में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐड कीजिए यू प्लस यू कितना हो गया, टू यू प्लस ए टी, अपॉन में क्या चल रहा है आपका टू। अब आप ऐसा कीजिए टी प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में चलाइए इसको। अब इस टू को अलग अलग कर लीजिए, टू यू अपॉन टू प्लस ए टी अपॉन टू प्रोडक्ट ऑफ टी, टू से टू कैंसिल हो गया। जब ये टू से टू कैंसिल हो गया तो टी के अंदर प्रोडक्ट करवाइए, टी के अंदर प्रोडक्ट करवाएंगे तो ये हो जाएगा यू टी और ये टी इसके साथ आ जाएगा उठ के, तो ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन प्रूफ हो गई। ठीक है, आपने पहले एवरेज वेलोसिटी ली, फिर टाइम की प्रोडक्ट करवा दी, आपने वी की जगह वैल्यू खोल दी, यू यू को ऐड कर दिया, फिर इस टू को इसके नीचे अलग कर दिया, इस टू को इसके नीचे अलग कर दिया,
उसके बाद आपने बाहर वाले टी के अंदर प्रोडक्ट करवा दी है ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हुई। अब मैं बात करता हूं थर्ड इक्वेशन की। अब देखिए थर्ड इक्वेशन के लिए भी क्या करेंगे हम लोग, थर्ड इक्वेशन के लिए फॉर्मूला ये लिखे छोड़ दे रहे हैं हम, ठीक है। और यहां पे हम s लिख दे रहे हैं, इनिशियल वैल्यू लिख दे रहे हैं जो एवरेज वेलोसिटी आपकी थी u प्लस v, और टाइम को हम t लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या करेंगे, ये कि यहीं से हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर मैं t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से उठा लूं तो, ठीक है, सपोज मेरे पास a की वैल्यू थी v माइनस यू अपॉन टी, यहां से मैं t की वैल्यू उठा लूं तो t की वैल्यू आ जाएगी v माइनस यू अपॉन a, ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दूं। जब मैं यहां वैल्यू पुट करूंगा तो s इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू इंटू टी की वैल्यू रखने आ रहा हूं मैं v माइनस यू अपॉन a। अब आप देखिए ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो s इक्वल टू फॉर्मूला हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू a। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये आपकी थर्ड इक्वेशन भी प्रूफ, ठीक है। किया कुछ नहीं आपने, आपने सेकंड इक्वेशन लिखे जाने दी, आपने ये वैल्यू लगाई और t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से आपने v माइनस यू अपॉन ए निकाल ली और t की जगह पुट कर दी। ये फॉर्मूला आपने बना दिया है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का, और आपका यहाँ पे फॉर्मूला प्रूफ हो गया है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। अब मैं इसको प्रूफ करूंगा ग्राफिकल से। अभी हमने इसको सिंपल मेथड से प्रूफ किया था, अब हम इसको प्रूफ कर लेते हैं ग्राफिकल से। देखिए अब ग्राफिकल से कैसे प्रूफ करेंगे इसको, वो भी ध्यान से देख लीजिएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल से हम प्रूफ करने वाले हैं कि ग्राफ से कैसी इक्वेशन आने वाली है। बहुत इजी है, ग्राफिकल से भी फटाफट हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाते हैं। ये मेरे पास कोई पाथ है इसका, यहाँ मैंने ये यूनिफॉर्म बनाया मोशन, यहाँ से मैंने इसको कवर कर दिया और यहाँ से मैंने इसको प्लेस्ड कर दिया। इसको ओ ले लूँगा, इसको ए कह दूंगा, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई सपोज कर लूंगा, ठीक है। टोटल वेलोसिटी सपोज कर ले रहा हूँ, फाइनल वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक है वी, और ये जो आपको दिख रहा है ना इतना, ठीक है, यहाँ तक जो हमारे पास ओ ए है इसको सपोज कर लूँगा यू, ये इनिशियल वेलोसिटी है। ए से बी ये मेरा टाइम है टी, ये टी है तो ये भी क्या होगा बच्चों, ये भी हमारे पास टी होगा, ठीक है। ये मेरे पास एक डायग्राम बना हुआ है और इस डायग्राम में मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिया हुआ है। आप देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिया है, इसके पाथ को कवर कर दिया है मैंने, ठीक है। अब मुझे फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से निकालनी है। फर्स्ट इक्वेशन आती है भाई v इक्वल टू यू प्लस ए टी, कैसे आती है वो इक्वेशन आएगी जब आप वेलोसिटी में चेंज करवाओगे, और जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो इसका मतलब यह है कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों होनी चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए जब भी वेलोसिटी आपकी चेंज होगी तब वो चेंजेस को शो कर रही होगी। यहाँ पे देखिए d से लेकर o तक मैंने यहाँ पर एक यहाँ पे स्लोप डाल रखा है, इसे कहते हैं स्लोप, ठीक। इस d से o का मतलब है कि यहाँ पर आपकी वैल्यू चेंज हो रही है, और d से o में अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वेलोसिटी भी इसी पॉइंट पे चेंज होगी। यानी कि आप क्या निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए आप कैसे निकालेंगे, आप ये o देखिए, d देखिए और c देखिए, ठीक है। जब आप ये देख रहे होंगे ओ डी सी तो एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको। अब आपको करना क्या है, करना ये है कि जब आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो टोटल बिलो टोटल यहाँ से पॉइंट आपका कितना है डी बी, आपका टोटल पॉइंट डी से लेकर कितना यहाँ पे है बी है, और आपके पास जो वेलोसिटी रिमेनिंग यानी कि यू वेलोसिटी है वो कहाँ से कहाँ तक है ओ ए तक। तो टोटल वेलोसिटी आपकी वी है और ओ ए वेलोसिटी आपकी यू है, यानी कि अब आपकी वेलोसिटी जो रिमेनिंग है वो कितनी होगी, आपको बी में से क्या माइनस करना पड़ेगा यू। सबसे पहले तो आप ये ओ डी सी ट्रायंगल देख लें और यहां से एक्सेलरेशन लिखें परपेंडिकुलर ऑब्लिक बेस। बोले सर परपेंडिकुलर ऑब्लिक बेस क्यों लिया आपने, परपेंडिकुलर मैंने इसलिए ले लिया है क्योंकि परपेंडिकुलर से ही मेरा स्लोप बनता है। अगर ये मैं रफ कर दूं तो मेरा स्लोप नहीं बन पाएगा,
मेरी वेलोसिटी चेंज नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस लिया है। तो ए का फॉर्मूला आ गया है डीसी अपॉन ओसी, आ गया डीसी अपॉन ओसी। अब आप देखिए यहाँ से ए इक्वल टू ऐसे ही लगाइए, आपकी टोटल वैल्यू है डीबी और हमें डीसी चाहिए, यानी कि टोटल वैल्यू तो डीबी है बच्चे, जब डीसी चाहिए तो क्या करोगे, वी में से किसको माइनस कर दोगे, यू, क्योंकि टोटल वैल्यू तो वी है और ओवे वैल्यू आपके पास यू है, ठीक है। तो इसका मतलब आप डीसी जो आपके पास है ये बची हुई वैल्यू है, तो इसका मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हो टोटल वैल्यू को, जो आपकी ओसी हमने दे रखी है ये तो टी हो गया, तो आप इसको डीसी लिखिए और ओसी वैल्यू को, ओ से लेकर सी की वैल्यू को आप क्या लिख लो, टी। आपने इसको क्या लिख दिया है, टी लिख दिया है, यानी कि यहां से अगर आप डीसी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, डीसी इक्वल टू आ जाएगा ए टी, ठीक है। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, डीसी की, अगर वैल्यू मिल जाए तो काम बन जाए भैया, डीसी की वैल्यू भी आ जाएगी। डीसी की वैल्यू जब आप निकालोगे तो टोटल वैल्यू आपके पास बी था, यहां से ओवे की वैल्यू माइनस कर दो, वी माइनस यू इक्वल टू ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ हो गया। अब बात कर लेते हैं आपकी सेकंड इक्वेशन की। तो ये देखिए आपका ये एरिया जो है ये किसका बन रहा है, ये एरिया आपका जो बनेगा ये रेक्टेंगल है और ये एरिया आपका ट्रायंगल है। आपको फॉर्मूला चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ लगाएंगे, यहाँ आप लगाएंगे हाफ बेस इंटू हाइट। अब आप देखिए लेंथ और ब्रेथ जब आप लगा रहे होंगे तो यहाँ फॉर्मूला जो आपका आ रहा होगा वो होगा यूटी, ठीक है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ में आपको चाहिए दोनों दी हुई हैं। हाफ बेस इंटू हाइट जब आप लगाओगे तो आपको ये बेस है और आपको ये हाइट मिल रही है, ठीक है। तो आपको जो बेस है वो तो ओसी मिल रहा है, ओसी कितना है आपका, टी है, ठीक है। उसके बाद हाइट आप लोगे तो हाइट आपके पास कितनी है, हाइट आपके पास है डीसी, और डीसी की वैल्यू आप देखो यहाँ से मैंने आपको निकाल के दिखा रखी है इसलिए मैंने इसको रब नहीं किया है, डीसी की वैल्यू आपकी कितनी है 80। अब आप यहाँ से इस वैल्यू को ले लेंगे, तो पहले तो आप फॉर्मूला यहाँ पे लिख दीजिएगा, एस इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आपको लिखना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा ये आपको कहाँ से लिया आपने। इसका आपने फॉर्मूला लगाया लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि यू इंटू टी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने लगाया हाफ बेस इंटू हाइट। अब आप देखिए बेस पे कौन है ओसी और हाइट पे कौन है डीसी, आपने डीसी लगा दिया यानी कि यूटी तो आपके साथ है ही है, हाफ ओसी आपके पास कितना है, ओसी आपके पास देखिए यहाँ पे कितना है टी, और डीसी देखिए डीसी कितना है आपने लगा रखा है एटी लिख दीजिए यहाँ पे। फॉर्मूला आपका बन के तैयार है भाई, यू टी प्लस हाफ टी और टी की आपस में करिए प्रोडक्ट, आपका आंसर आ गया एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये आपकी आ गई सेकंड इक्वेशन, ठीक। अब बात कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन की, और थर्ड इक्वेशन के लिए थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, और थर्ड इक्वेशन की बात कर लेते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं और थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। थर्ड इक्वेशन में क्या होगा, आप देखिए आपको ट्रेपेजियम दिख रहा होगा ओ ए बी डी, ठीक। तो ट्रेपेजियम आप यहां पे पहले एक छोटा सा इस तरीके का बना के और लिख दीजिए ट्रेपेजियम ओ ए बी डी, और फॉर्मूला लगाइए ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब आप देखिए पैरेलल साइड कौन सी है, अब आप देखिएगा कि ओ ए और बी डी आपस में पैरेलल है, ये ओ ए और बी डी आपस में पैरेलल है, और उनमें हाइट कौन सी लोगे, हाइट आप ओ सी लोगे। कोई बोलेगा सर ओ सी नहीं मैं तो ए बी लूंगा, आप ले लो OC और AB हैं तो दोनों इक्वल, ठीक है। चलिए हम ले लेते हैं ट्रायंगल OABD हमने लिया है, फॉर्मूला लगा देते हैं ट्रेपेजियम का 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू ले लीजिएगा हाइट लिख दीजिएगा यहां पे, ठीक है ना, ठीक। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड आप देखिएगा ये है आपके पास OA और दूसरी है आपके पास BD, ठीक, इंटू हाइट आप लिखिएगा ओ सी। आप वैल्यू खोल दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी है ओ ए की, यू है, बी डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, वी है, ओ सी आपके पास कितना है, ओ सी देखिए ओ सी आपके पास टी है, यानी कि फॉर्मूला हो गया यू प्लस वी अपॉन टू। आपको टी की वैल्यू चाहिए तो टी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लीजिए, यहाँ कोने में दिखा दीजिए, टी की वैल्यू है वी माइनस यू अपॉन ए, यहाँ रख दीजिए वी माइनस यू अपॉन ए, आपका फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा 2as इक्वल टू वी माइनस यू स्क्वायर, आपका प्रूफ हो गया फॉर्मूला यहां से देखिए, ये थर्ड इक्वेशन है आपकी।
ये तीनों क्वेश्चन हमने प्रूफ कर दिए हैं। एक लास्ट टॉपिक और कंसीडर हम कर लेते हैं, वो लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपका वो मोशन होगा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं UCM। UCM का मीन्स है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपका वो मोशन होता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे, जिसमें आपका कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो। ठीक है, यानी कि आप डेफिनेशन में कैसे बताएंगे, आप ये बताएंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज दैट मोशन वेयर एनी ऑब्जेक्ट मूव इक्वल डिस्टेंट टू इक्वल टाइम पीरियड फ्रॉम अ सर्कुलर पाथ। आप फिर से ध्यान सुन लीजिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप क्या बताओगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज दैट मोशन वेयर द ऑब्जेक्ट इज कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम पीरियड ऑफ अ सर्कुलर पाथ। कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम कवर कर रहा होगा, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम कर रहा होगा सर्कुलर पाथ पे, तो वो ऑब्जेक्ट का कैसा करा रहा होगा, UCM में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। एग्जाम्पल है DVD, ठीक है, एग्जाम्पल है आपकी वॉच जब घूमती है वो सब कैसा मोशन कर रहे हैं, UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर आप इसका पूरा एक चक्कर लगा रहे हो तो ये चक्कर लगाओगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr। आप इसमें कुछ ना कुछ टाइम ले रहे होगे हर एक पॉइंट पे, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा वी इक्वल टू 2πr/T। 2πr सर्कमफेरेंसेस, टी टाइम है। ये यूनिफॉर्म आपका जो सर्कुलर मोशन है उसकी वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है। ओके, ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म हुआ है। अगर आपको टीचिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।